नमस्कार दोस्तों, रोजाना राशि फल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि दोस्तों आपकी राशि से जुड़ी सभी जानकारियां सबसे पहले आप तक पहुंच सके और आप उन्हें देखकर अपने जीवन के उत्तम सुखों का लाभ ले सकें। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 26 अप्रैल 2022 की आपके राशि फल के बारे में। सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी इसमें बर्थडे है या फिर एनिवर्सरी है, आप सभी को हमारी तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। तो आइए दोस्तों, इसी के साथ बात करते हैं यश में ग्रहों की स्थिति कैसी होंगी, क्या क्या योग बनेंगे और इन सभी का असर आपकी राशि पर क्या होगा, किन किन चीजों को लेकर यश में आपको सावधान रहना होगा और आखिर कौन कौन से कार्य आपके लिए भाग्यशाली होंगे। दोस्तों, यश में आपका लव लाइफ कैसा रहेगा, स्वास्थ्य, करियर और धन की स्थिति कैसी रहेंगी। साथ ही दोस्तों, वीडियो के मध्य में आप सभी के लिए बहुत ही अच्छे विचार दिए गए हैं जिन्हें आप जरूर देखिएगा, आपको काफी अच्छा लगेगा। तो आइए दोस्तों बात करते हैं। दोस्तों, इस दिन मंगलवार का दिन रहेगा, कृष्ण मसीह का तिथि रहेगी और दोस्तों इस दिन शतभिषा नाम का नक्षत्र रहेगा। वही दोस्तों, दिन योग की बात करें तो दोस्तों इस दिन ब्रह्म नाम का शुभ योग शाम के 7:05 रहेगा, उसके उपरांत ही इंद्र नाम का शुभ योग प्रारंभ हो जाएंगे। वही दोस्तों, इसके उपरांत इस दिन राहु कल के समय की बात करें अर्थात अशुभ समय की, दोस्तों ध्यान रहे आप यश में कोई भी शुभ और महत्वपूर्ण कार्यों को भूल से भी ना करें। तो दोस्तों, यह समय रहेगा शाम के 3:36 लेकर शाम के 5:12 तक। और दोस्तों, चंद्रमा दिन कुंभ राशि पर संचार करेंगे। वक्त आपका है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने से गुजार दो, दुनिया आपके उदाहरण से बदलेगी आपकी राशि नहीं। दीपक तो अंधेरे में जला करते हैं, फूल तो कांटों में भी खिला करते हैं, थक कर नौ बैठ ए मंजिल के मुसाफिर, हीरे अक्सर कोयले में ही मिला करते हैं। दोस्तों, कर्म भूमि पर फल के लिए सभी को मेहनत करना पड़ता है, भगवान सिर्फ लकीरें देता है, रंग हमको ही भरना पड़ता है। आपकी प्रगति धीमी है या बार बार गलती हो जाती है तो चिंता मत करें, क्योंकि आप उनसे आगे हैं जो प्रयास ही नहीं करते। हौसला कम ना होगा तेरा तूफानों के सामने, मेहनत को इबादत में बदल कर तो देख, खुद ब खुद हल होंगी जिंदगी की मुश्किलें, बस खामोशी को सवालों में बदल कर देख। यदि हम अपने काम में लगे रहें तो हम जो चाहे वो कर सकते हैं। इस संसार में प्यार करने लायक दो ही चीज है, एक दुख और दूसरा श्रम। दुख के बिना हृदय निर्मल नहीं होता और श्रम के बिना मनुष्य का विकास नहीं होता। तो चलिए इसी के साथ बात करते हैं आज की राशिफल की। धेनी राशिफल। दोस्तों, पिछले कुछ समय से किसी के साथ चल रहे खराब संबंधों में यह समय सुधार आएगा। घर के सुख सुविधाओं संबंधी कार्यों में भी आपका विशेष यशमय योगदान रहेगा। इस उपरांत दोस्तों, यशमय आर्थिक स्थिति भी उचित बनी रहेगी। भविष्य संबंधी निवेश करने के लिए यह जो समय होगा आपके लिए बहुत ही अच्छा समय होगा। साथ ही यशमय सावधानी की अगर बात करें तो दोस्तों, यशमय संतान से संबंधित कुछ कार्यों में खर्चों की अधिकता रहेगी। अपनी भावुकता जैसे स्वभाव पर नियंत्रण रखें, अन्यथा कुछ लोग आपका यशमय गलत फायदा भी उठा सकते हैं। दोस्तों, यशमय दोपहर बाद ग्रह स्थितियाँ आपके लिए कुछ विपरीत रहेंगी तथा मन में कुछ नकारात्मक विचार भी आपको परेशान कर सकते हैं। इसके साथ दोस्तों, आपके लिए समय होंगे दोस्तों, यश में कुछ सामाजिक तथा धार्मिक संस्थाओं के प्रति आपका जो योगदान होगा समाज में आपको एक नई पहचान देगा। दोस्तों, किसी पारिवारिक मुद्दे में आपकी जो उपस्थिति होगी विशेष रूप से महत्वपूर्ण रहेगी। यश में परिस्थितियों में सकारात्मक परिवर्तन भी आ रहा है, इसका उचित सदुपयोग करें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको पाया दोस्तों, यश में ध्यान रखें कि किसी नजदीकी रिश्तेदार की वजह से धन की हानि होना संभव होगा। लेन देन करते समय लापरवाही ना बरतें। घर के बुजुर्गों के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखने की भी जरूरत होगी। यश में किसी भी यात्रा को करने के लिए जो समय होंगे उचित समय नहीं होंगे, इसलिए दोस्तों यश में यात्रा को स्थगित रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसको पाया दोस्तों, यश में आपके लिए जो समय होंगे आपका अधिकतर समय अपने व्यक्तित्व को और अधिक बेहतर तरीके से बनाने में व्यतीत होगा। विद्यार्थियों को भी शिक्षा के अनुरूप ही कोई नौकरी मिलने से चिंता दूर होगी। धर्म कर्म तथा आध्यात्मिक गतिविधियों में भी आपकी इस समय रुचि रहेगी। इसको प्राण दोस्तों, यह समय धन के लेन देन समय कोई नुकसान होने की स्थिति भी बन रही है, जिनकी वजह से तनाव और चिड़चिड़ापन जैसा थोड़ा सा माहौल भी रहेगा। दोस्तों, आपकी अधिकारपूर्ण वाणी दूसरों को नाराज कर सकती है, अपने स्वभाव को सहज और नरम बनाकर रखें, ये आपके लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों, यह समय आपके लिए समय होंगे दोस्तों परिवार के साथ घर की साथ सज्जा संबंधी वस्तुओं की खरीदारी में अच्छा समय व्यतीत होगा। सभी सदस्यों के बीच हास प्रयास तथा मनोरंजन भरा वातावरण बना रहेगा।
दोस्तों यशोमय आप परिवार तथा व्यवसाय के बीच बेहतरीन तालमेल बनाकर भी रखेंगे। व्यस्तता के बावजूद भी यशोमय सभी कार्य सही तरीके से भी यशोमय पूरे होंगे, जिससे दोस्तों आपका मन भी यशोमय प्रसन्न रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अपने विरोधियों की गतिविधियों को नजरअंदाज ना करें। आप जो है किसी षड्यंत्र या फिर गलतफहमी के शिकार भी यशोमय हो सकते हैं। किसी रिश्तेदार या फिर मित्र के भी कुछ कहासुनी हो सकती है, इनकी वजह से दोस्तों मन थोड़ा सा व्यथित रहेगा। विद्यार्थी वर्ग को पढ़ाई से संबंधित कुछ मुश्किलों का सामना भी यशोमय करना पड़ सकता है, लेकिन दोस्तों यशोमय आपको सफलता भी प्राप्त होगी, जिससे आपका मन भी मोटिवेटेड होते रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके व्यवसाय को लेकर बात करें अर्थात आपके करियर की, तो दोस्तों यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, व्यवसाय में धन संबंधी मामलों तथा योजनाओं को किसी कार्य रूप देने के लिए जो समय होंगे उचित समय होंगे, परंतु दोस्तों व्यवस्था बनाए रखने में बहुत अधिक सावधानी रखने की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि दोस्तों स्टाफ के बीच कोई राजनीति चल सकती है। यशोमय राज की सफलता और फिर सुगमता से प्रसन्न आप होते जाएंगे। इसके बाद दोस्तों यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए जो समय होंगे, दोस्तों कोई भी नया काम शुरू करना यशोमय ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि दोस्तों यशोमय कोई भी महत्वपूर्ण निर्णय गलत होने की वजह से आपको नुकसान हो सकते हैं। दोस्तों बेहतर होगा कि वर्तमान परिस्थितियों पर ही अपना ध्यान दें तथा नौकरी पेशा व्यक्तियों को भी काम की दिक्कत की वजह से ओवर टाइम भी यशोमय करना पड़ सकता है। इसके उपरांत दोस्तों आपके करियर के लिए जो समय होंगे, यशोमय कार्य क्षेत्र में आय के संसाधनों में वृद्धि होंगी, परंतु शादी खर्चे भी बढ़ेंगे। दोस्तों यशोमय आपके जो समय होंगे, आपको बता दें कि किसी नजदीकी मित्र की सलाह से आपको कोई रुका हुआ कार्य भी यशोमय संपन्न हो सकता है। नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए कुछ ट्रांसफर संबंधी योग भी बन रहे हैं, जिनमें दोस्तों आपको तरक्की यशोमय संभव है। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके करियर के लिए जो समय होंगे, आपके व्यवसाय के लिए समय होंगे, दोस्तों यशोमय अपने व्यवसाय में सिर्फ वर्तमान गतिविधियों पर ही ध्यान दें। किसी भी नई योजना पर काम शुरू करना आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। इसके उपरांत दोस्तों व्यवसाय की दृष्टि से अभी गलत स्थितियां आपके पक्ष में नहीं है। दोस्तों नौकरी पेशा व्यक्तियों पर यशोमय अपने उच्च अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपकी लव लाइफ को लेकर बात करें अर्थात आपके पारिवारिक जीवन की, तो दोस्तों यशोमय आपके पारिवारिक जीवन के लिए जो समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों घर में अनुशासित तथा व्यवस्थित माहौल बना रहेगा। पति पत्नी के आपसी संबंधों में कुछ तकरार भी उत्पन्न हो सकते हैं, अर्थात दोस्तों यशोमय आप अपने जो है धर्म पत्नी या फिर जीवन साथी से बात करते समय अपने वाणी पर संयम रखें, ये आपके लव लाइफ के लिए यशोमय बेहतर रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों परिवार में खुशी भरा माहौल रहेगा, परंतु ध्यान रखिए कि भारी संबंध आपके लिए आपके परिवार में सुख शांति में बाधा डाल सकता है। तो दोस्तों किसी बाहरी व्यक्ति को अपने परिवार के समक्ष हस्तक्षेप करने ना दें, ये आपके लव लाइफ के लिए यशोमय बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लव लाइफ के लिए समय होंगे, दोस्तों आर्थिक परेशानियों को लेकर पति पत्नी के बीच थोड़ा सा तनाव भी रहेगा, बेहतर होगा कि आपस में बैठकर समस्या का हल निकालें, ये आपके लव लाइफ के लिए बेहतर होंगे और आप इनसे दोस्तों समस्या का हल भी यशोमय निकाल पाएंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके लिए समय होंगे, आपके लव लाइफ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों आपको बता दें कि घर का माहौल यशोमय अर्थात पूर्ण खुशनुमा और व्यवस्थित बना रहेगा। युवा वर्ग अपने प्रेम संबंधों को लेकर गंभीर और ईमानदार रहेंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय अगर आपके स्वास्थ्य यानी हेल्थ को लेकर बात करें, तो दोस्तों शारीरिक और मानसिक थकान की वजह से तनाव और थोड़ी सी कमजोरी भी आपके ऊपर हावी रह सकती है। कुछ समय अपने रुचिपूर्ण कार्यों में भी समय को लगाएं तथा प्रकृति के निकट भी अपने समय को व्यतीत करें, दोस्तों ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे, तो इन पर आप जरूर ध्यान दें। इसके उपरांत दोस्तों आपके स्वास्थ्य के लिए समय जो समय होंगे, मानसिक तनाव की वजह से ब्लड प्रेशर व फिर डायबिटीज की समस्या बढ़ सकती है। मेडिटेशन तथा योगा आपके लिए इसमें उचित इलाज होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके स्वास्थ्य के लिए जो समय होंगे, दूषित पानी व फिर खान पान की वजह से पेट संबंधी दिक्कतें भी उत्पन्न हो सकती है। दिनचर्या को सीमित बनाकर रखना आपके लिए आवश्यक होगा। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपके हेल्थ के लिए जो समय होंगे, दोस्तों अत्यधिक काम की वजह से पैरों में जो है आपका थकान व फिर सूजन की समस्या रह सकती है, इसलिए दोस्तों काम के साथ साथ आराम भी लेना आपके स्वास्थ्य के लिए यशोमय अति आवश्यक होंगे, तो दोस्तों इनका आप जरूर ध्यान रखें, ये आपके स्वास्थ्य के लिए बेहतर होंगे। इसके उपरांत दोस्तों यशोमय आपका भाग्यशाली रंग रहेगा लाल और भाग्यशाली अंक रहेगा 8।